नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज़, आपकी आवाज़। आज मैं बात करूंगा तीन चार पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा। पहला पॉइंट्स मेरा ये होगा कि जितने भी हमारे भारत में जो केमिस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे जो क्या अपना जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में अपनी जो बोला सकता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए भारत में COVID-19 के खिलाफ, वो काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और जो भी जितने भी पेशेंट्स अभी है फर्स्ट लाइन एड जितने भी ट्रीटमेंट्स है केमिस्ट के द्वारा ही ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है भारत में वैसी स्थिति में फार्मासिस्ट ही आगे आ रहा है। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, परंतु 130 करोड़ की आबादी है, उतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, तो हर कोई OPD यानी डॉक्टरों पर डायरेक्टली बेसिक जो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता। वैसे में केमिस्ट जो है इस पे बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से निभा रहा है, पर हम तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है, क्योंकि आप यदि प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी तरह इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरस पेशेंट भी हो गए जो इनिशियल इन्फेक्शन यदि होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर के जगह ना जाके वो सीधे फार्मासिस्ट यानी केमिस्ट के पास जाता है, अपनी समस्या बताता है, उसके बाद अपनी उनको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है उनको, कोल्ड कफ फीवर ऐसे तमाम थोड़ी प्रॉब्लम्स है, परंतु वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, परंतु जो बाहर जो गाड़ियाँ बाकी चीज़ें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बंद हो चुकी है, तो वैसे में एम्बुलेंस ही सिर्फ सहारा है, परंतु हर कोई एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि एम्बुलेंस को यदि कॉल करता है तो जो सोसाइटी में रहते हैं एक तरह का पैनिक क्रिएट होता है, उसके वजह से उसके बाद क्या होता है कि लोग सोसाइटी फिर आने नहीं देते हैं, ऐसा तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे में सरकार को जितनी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है जो यूज में नहीं आ रही है अभी, उसको एज ए उनको यदि नॉर्मल जो जिनको प्रॉब्लम्स है यदि एम्बुलेंस के नजर देकर एक गाड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जहाँ पर उसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी डॉक्टर के पास जाना हो, तो ये समस्या थोड़ा दूर हो सकता है। क्योंकि आए दिन ये भी कंप्लेन आ रहा है कि एम्बुलेंस की कमी है, तो एम्बुलेंस की जगह जितनी भी गवर्नमेंट यानी सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है जो इस्तेमाल में अभी नहीं आ रहा है, उनको आम लोगों को मदद करने में इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो आसानी से डॉक्टर्स और बाकी जो भी समस्या है वो आसानी से रिजोल्व हो जाए। थर्ड नंबर इसलिए बात करूंगा कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी इसके इलाज की भी लगी हुई है और इस पर काफ़ी सारे रिसर्च चालू कर दी है, परंतु भारत पता नहीं किसके भरोसे बैठा हुआ है कि इस पर कोई इस तरह का कोई रिसर्च चालू नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार को मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर एक पार्टिकुलर फंड आप दे दो। फार्मा रिसर्चर्स है हमारे देश में, काफ़ी ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडिया हैं लोगों के पास, तो ताकि इस पर कोरोना वायरस पर काम करना हम चालू कर दें। तो ऐसी चीज़ें जो है आप मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो है फार्मा रिसर्च यानी कोरोना वायरस के जो वैक्सीनेशन रिसर्च के लिए भी सरकार कुछ फंड ऐसे इंस्टीट्यूट को दे ताकि वो एक इनोवेटिव आइडिया लगाकर या किस तरह का रिसर्च करके कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल करे इस पर काम चालू हो जाए, क्योंकि बाकी देश ने इस तरह का काम स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर सोचने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात कहूँगा कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी फार्मासिस्ट यानी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो यदि कोई भी समस्या आता है तो फार्मासिस्ट अपने आप को खुद को तैयार रखे। और मैंने कमेंट में बोला था ईमेल आईडी और अब आपको जो भी फ़ोन नंबर आप ज़रूर दें ताकि आपको इकट्ठा करने में आसानी होगी और हम इस चीज़ को अब आगे ला सकते हैं, क्योंकि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी तादाद यानी फार्मा प्रोफेशन की तादाद भारत में बहुत ज़्यादा है और वो अपनी जो प्रोफेशन जो हेल्थ केयर जो भी इश्यूज है हेल्थ इश्यूज इसमें काफ़ी सुधार ला सकते हैं।